ये मैत्रेय आयुर्वेद आश्रम है उडुपी के पास एक गांव में, और यहाँ समुद्र के किनारे है बिल्कुल। और यहाँ आयुर्वेदिक जो पंचकर्म की पद्धति है उस पर विशेष फोकस है, और उसके जरिए शरीर में जो तमाम दोष जमा हो जाते हैं उसकी सफाई होती है। इनका कहना है कि जैसे आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की, अपनी कार की, जहाज की सर्विसिंग होती है, वैसे बॉडी की भी एनुअल क्लीनिंग, ग्रीसिंग, आयलिंग होनी चाहिए। तो ये काम यहाँ होता है, और यहाँ हमने 10 दिन बिताए, बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा बनाया है। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी जो हरियाली है, जंगल है, ये लगता ही नहीं कि कोई अस्पताल है। पेड़ पौधे, दूर दूर कमरे, तो ये एक बहुत ही सुंदर नैसर्गिक माहौल है जिसमें बिना आपको अस्पताल का एहसास हुए आप यहाँ अपना इलाज कराते हैं। और यहाँ की जो दिनचर्या है ये सुबह शुरू हो जाती है करीब 6 बजे से, समुद्र दर्शन के बाद जो है लोग आते हैं और फिर यहाँ योगासन करते हैं। ये मेडिटेशन और लेक्चर हॉल है, यहाँ योगा टीचर हैं जो योगासन कराती हैं, उसके अलावा प्राणायाम भी होता है। और एक इनके पास विशेष आयुर्वेदिक हुक्का बोलते हैं जिसको, जिसमें ये घी और हल्दी और कुछ और दवाएं डाल के उसको उससे खींचते हैं मुंह में, उससे इनका कहना है कि फूड पाइप क्लियर हो जाती है, अस्थमा में भी फ़ायदा होता है। और बाकी देखिए जो इनका इलाज है उसमें पंचकर्म में तमाम जो वमन, विमेचन, विरेचन और उसके अलावा बस्ती कई तरह का है, जिसमें तरह तरह की मालिश होती हैं, तेल से होती है, पाउडर से होती है, लेपन लगाते हैं, और नाक में जो एक विशेष किस्म का घी है वो डालते हैं, उससे इनका कहना है कि शुद्धि होती है मस्तिष्क की भी। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके यहाँ इन्होंने ये बनाया है। और एक खूबी और भी है देखिए कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों का, साउथ इंडिया का, सब लोग मानते हैं कि वर्क कल्चर डिफरेंट है, और उससे यहाँ के जो परिचारक हैं, जो आपको भोजन देते हैं, जो आपका मालिश करते हैं, जो आपके लिए योगा कराते हैं, जो आपके लिए, तो वो बहुत ही मन से, मनोयोग से सारा काम करते हैं। तो वो एक अतिरिक्त लाभ है इसका। और ये एक इन्होंने यहाँ के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, गंगा किनारे, उत्तर प्रदेश के, डॉक्टर तन्मय गोस्वामी ने आयुर्वेद में यहीं उडुपी से डिग्री ली थी, उसके बाद एमडी किया, और ये पहले इन्होंने कुछ दिनों के लिए फर्रुखाबाद में अपना एक क्लिनिक खोला था, लेकिन एमडी करने के बाद ये यहीं जम गए, उडुपी के हो गए। और इनका कहना है कि ये दक्षिण भारत का वृंदावन है, उत्तर भारत के वृंदावन में इनका मूल है, गोस्वामी लोग वहाँ से आते हैं, और यहाँ आके इन्होंने पूरा बहुत पॉपुलर हो गए हैं ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर, और साथ में ज्योतिष की भी प्रैक्टिस करते हैं, और ज्योतिष और आयुर्वेद मिला के ये अपना इलाज करते हैं, नाड़ी भी देखते हैं और ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव देखते हैं कि आपके ऊपर क्या। आपने यहाँ इस गांव में आके क्यों ये सेंटर खोला, ये क्या मकसद? मूलतः जन्म तो गंगा के किनारे फर्रुखाबाद में, और परंपरा वृंदावन की लोगों की है, गोस्वामी लोग, हाँ, राधा रमण गोस्वामी परंपरा को हम लोग बिलोंग करते हैं। देखिए उडुपी भी भगवान कृष्ण का स्थान है, ये दक्षिण भारत का वृंदावन है, और हम वृंदावन को बिलोंग करते हैं। देखिए ये जो सब चीजें विधि मनुष्य की कल्पना के परे है। पेजावर मटके स्वामी जी,
विश्वेश तीर्थ जी 1990 में जब अयोध्या बाबरी मस्जिद का जब इशू था उसमें पर सभी लोगों को जेल में डाला जा रहा था, उसमें पर फरुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में उड़पी के मध्वाचार्य उस समय पे जो 8 मठ है उनमें से एक मठ है बिजावर मठ, उसमें विश्वेश तीर्थ जी अब तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, वो हमारे फरुखाबाद में आए थे तो उनका पिताजी से काफ़ी अच्छा स्नेह बना एंड देन ही वॉज अ रीज़न, वो निमित्त बने मुझे उड़पी लेके आने के लिए, मैं उन्हीं के कारण मैं उड़पी आया और उड़पी में फिर यहाँ पर जो एक SDM आयुर्वेद कॉलेज है 1994 में तो वहाँ पर मेरा मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन मिला, फिर ग्रेजुएशन हुआ, फिर दोबारा विश्वनगर फरुखाबाद के प्रति रुख किया। आप गए वहाँ, आपने वहाँ क्लिनिक खोला, लोगों की सेवा की, फिर आपने सोचा MD करना चाहिए, फिर MD करना चाहिए फिर आ गए और अब की बार जब आए तो उड़पी ने फिर जाने नहीं। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।